हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। अनीता जी की ब्यूटी टिप्स में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि लेडीज़ों के फेस पे झाइयाँ हो जाती हैं ब्लैक कलर में। जैसे डिलीवरी के बाद, जब डिलीवरी के बाद फेस पे कुछ लोगों की झाइयाँ हो जाती हैं, या फिर कम सोने की वजह से भी झाइयाँ हो जाती हैं ब्लैक ब्लैक सी, तो इतने में और इतने में ब्लैक ब्लैक से निशान पड़ जाते हैं गोल, इतने में गोल गोल से। तो अभी मैं उसके लिए बताऊंगी, इस ऑरेंज के लिए, ऑरेंज के साथ। तो फ्रेंड्स, जो इसका जो छिलका होता है ऑरेंज का, तो इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो अभी मैं लगा के नहीं दिखाऊंगी, बस आप लोगों को बता दूंगी। तो जैसे हमने इसका ये छिलका निकाला, तो ये जो छिलका होता है, जो कि हम ऑरेंज तो खा लेते हैं, इसका छिलका फेंक देते हैं, तो ये छिलका फेंकना नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। इसको हम चाय में डालकर भी पीते हैं। और हमने ये छिलका निकाला, और इसको जब हम ऐसे दबाते हैं, तो इसमें से पानी निकलता है, जूस निकलता है इसके अंदर से। तो फ्रेंड्स, जो इसका जूस निकलेगा, उसको हमें ऐसे ऐसे फेस पे रगड़ना है, इस तरह से हमें फेस पे रगड़ना है। तो ऐसा हम डेली करेंगे, और कुछ ही दिनों में हमारी जो झाइयाँ हैं फेस की, वो कम होने लग जाती हैं। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। इस तरह से दबाएंगे हम इसको। इसमें से जो ये जूस निकलता है, ये इसको हम फेस पे इस तरह से रगड़ेंगे। और फ्रेंड्स, आलू का जो छिल आलू जो होता है, उसको भी हम कद्दूकस से कस के, जो उससे जूस निकलता है, उसको भी हम अपनी झाइयों पे लगाते हैं, तो वो भी, उससे भी झाइयाँ ठीक होती हैं। तो ये जो छिलका है इसका, और ऑरेंज का छिलका फेंकेंगे नहीं, और उसी को इस तरह से दबा के, और इस तरह से हम अपने फेस पे रगड़ेंगे डेली डेली, तो वो झाइयाँ कम होने लग जाती हैं। और एक तरीका और है झाइयाँ कम करने का फ्रेंड्स। तो जो ये छिलका होता है, इसको हम छाया में सुखा लेंगे। इसको सुखा लेते हैं, जो ऑरेंज का छिलका होता है, और ऑरेंज खाना भी बहुत अच्छा होता है, जो भी सीजन के टाइम पे फ्रूट होता है, उसे हमें डेली एक खाना चाहिए, तो हमारा फेस उससे भी ग्लो करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हनी डाल के हल्का गुनगुना पानी डेली हमें सुबह पीना चाहिए, उससे भी हमारे फेस पे ग्लो आता है, और जो ये झाइयाँ वगैरह होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो अभी हम इस छिलके का क्या करेंगे, धूप में, इसको धूप में भी सुखा सकते हो, छाए में भी। वैसे तो आप छाए में सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके टुकड़े टुकड़े करके छाए में सुखा लेंगे, फिर उसको मिक्सी में पीस लेंगे, और उसमें जो मसूर की दाल होती है धुली हुई, रेड कलर की जो मसूर की दाल होती है, उसको भी हम पीस के इसमें मिला लेंगे, और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, और इसको गीला करके एक पैक की तरह बना लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे ये जो छिलका होता है। तो इससे हमारे बहुत सारे दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। एक बार मैं यहाँ पर जल गई थी, इस तरह से जो गरम ऑयल होता है हम खाना बनाते हैं, तो वो मेरे फेस पे यहाँ पर गिर गया था, और मैंने जो ये छिलका है उसको पीस के छाए में सुखाया था, उसको पीसा था। मसूर की जो दाल होती है रेड वाली, वो मैंने उसमें मिलाई थी। तो फ्रेंड्स, मसूर की दाल मिलाना है उसमें, और उसको पीस लेना है दोनों चीज़ को, और उसमें फिर नींबू का रस डालना है, रोज़ वाटर डालना है, और हो सके तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें, और उसको अपने जहाँ भी आपके निशान हैं, झाइयाँ हैं, जो भी है, तो आप उस पर लगा सकते हैं। उससे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और मेरा फेस बिल्कुल साफ़ हो गया, मेरा जो भी यहाँ पर जला हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो टिप्स है, ये बहुत अच्छी है, ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, अगर फेस पे झाइयाँ हैं, और कोई भी जले वले का अगर निशान ब्लैक कलर का है, जो वाइट होता है वो नहीं जाता है, जो ब्लैक कलर का होता है वो चला जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कोई दूसरी टिप्स पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।